Hello guys, welcome back to Standard Studies. I hope you all are doing good. And today we are going to start a new chapter, chapter number 2, acids, bases and salts. And guys, I hope you will definitely enjoy this session. So guys, let's start without wasting any time. तो बच्चों सबसे पहले जो हम डिस्कस करने वाले हैं इस चैप्टर में उस टॉपिक का नाम है एसिड्स। एसिड के बारे में हम इसकी प्रॉपर्टीज जानेंगे, कौन कौन से स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं, कौन कौन से वीक एसिड्स होते हैं, एंड देन कंसंट्रेटेड एसिड्स, डाइल्यूट एसिड्स, ये सारे कंसेप्ट बच्चों आज क्लियर होने वाले हैं आपके। उसके बाद हम फिर बेसिस के बारे में पढ़ेंगे, कितने टाइप्स के बेस होते हैं, एंड देन हम सॉल्ट्स के डिस्कशन को करेंगे। बच्चों एक चीज का आप ध्यान रखना, इस वीडियो में हम कुछ टॉपिक्स डिस्कस करेंगे, इसके बाद जो टॉपिक्स इस चैप्टर के बच जाएंगे उसके लिए पार्ट 2 वीडियो आएगी, आप उसमें देखना। तो बच्चों चलिए शुरू करते हैं। बच्चों सबसे पहले हम डिस्कस करने वाले प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स की। तो देखिए पहली प्रॉपर्टी है डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड एसिडस व्हिच मींस सॉर। सॉर आपको पता होगा कि जब भी हम एसिड का नाम सुनते हैं तो एसिड का नाम सुनते ही सबसे पहली चीज जो हमारे दिमाग में आती है वो है खट्टापन। जो एसिड्स होते हैं उनका टेस्ट जनरली सॉर होता है, यानी कि खट्टा होता है। जो एसिड वर्ड है बच्चों ये एक लैटिन वर्ड से लिया गया है, जिसका ये जो मीनिंग देख रहे हो आप एसिडस, ये एसिडस एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है सॉर, और यहीं से इस वर्ड को बनाया गया जिसको हम कहते हैं एसिड्स। एसिड्स हैव सॉर टेस्ट, समझ आ गया होगा आपको। थर्ड पॉइंट है दे टर्न ब्लू लिटमस टू रेड। बच्चों ब्लू लिटमस, लिटमस पेपर एक इंडिकेटर का काम करता है। लिटमस पेपर का हम यूज जनरली तब करते हैं जब हमें आइडेंटिफाई करना हो कि कौन सा सब्सटेंस एसिडिक है और कौन सा सब्सटेंस बेसिक है। जब हमें पता करना होता है तो हम दो कलर के लिटमस का यूज करते हैं, एक ब्लू लिटमस और एक रेड लिटमस। तो जब ब्लू लिटमस पे हम एसिडिक सब्सटेंस को डालते हैं, हमें अभी नहीं पता कि वो सब्सटेंस एसिडिक है या फिर क्या है। अगर हम ब्लू लिटमस पे किसी सब्सटेंस को डालते हैं, जनरली किसी लिक्विड को हम उसपे उसके एक दो बूंद गिराकर देखते हैं, तो क्या होता है कि जो ब्लू लिटमस है उसका कलर चेंज हो जाता है रेड में। और अगर उस ब्लू लिटमस का कलर रेड में चेंज हो गया तो इससे हमें यह समझ आ जाता है कि वो जो सब्सटेंस हमने उसके ऊपर डाला था, जो लिक्विड हमने उसके ऊपर डाला था, वो लिक्विड वो है एसिड। तो बच्चों आपको क्लियर हो गया होगा कि जो लिटमस पेपर होता है उसका क्या काम होता है। लिटमस पेपर जनरली हम यूज करते हैं आइडेंटिफाई करने के लिए कि वेदर द सब्सटेंस इज एसिडिक और बेसिक। अगर हम ब्लू लिटमस का यूज कर रहे हैं तो इसका मतलब हम उसमें यह पता करना चाह रहे हैं कि ब्लू लिटमस अगर रेड में चेंज हो गया किसी सब्सटेंस के कारण तो इसका मतलब वो सब्सटेंस एसिडिक है। और अगर रेड लिटमस का यूज कर रहे हैं, अगर हम रेड लिटमस को कन्वर्ट कर देते हैं ब्लू में, रेड लिटमस पर अगर किसी सब्सटेंस का हमने यूज किया और वो लिटमस चेंज हो गया ब्लू में, तो इट मींस कि सब्सटेंस जो है वो बेसिक है। तो अभी एसिडिक्स में आपको ये पढ़ना है सिर्फ एसिड्स में कि दे टर्न ब्लू लिटमस टू रेड। जब ब्लू लिटमस होगा अगर हम उस पर कोई सब्सटेंस ऐड करें और उसका कलर अगर रेड में चेंज हो जाए तो इट मींस कि वो सब्सटेंस एसिडिक है। बट जो थर्ड पॉइंट है उसके बाद दे गिव एच प्लस आयंस इन एक्वस सॉल्यूशन। जो एसिड्स है जब हम उसको सॉल्यूशन में मिक्स करते हैं किसी भी ऐसे सॉल्यूशन जो एक्वस सॉल्यूशन हो, बच्चों ये जो मीनिंग, ये जो वर्ड लिखा हुआ है एक्वस सॉल्यूशन, इसका मतलब क्या होता है। एक्वस सॉल्यूशन इज अ टाइप ऑफ सॉल्यूशन इन विच सॉल्वेंट इज वाटर। आपको समझ आ गया होगा कि नाइन्थ क्लास में आपने पढ़ा था कि एक चीज होती है सॉल्यूट और दूसरी चीज होती है सॉल्वेंट। तो बच्चों सॉल्यूट और सॉल्वेंट में डिफरेंस ये होता था, मान लो आपने कंटेनर लिया, उस कंटेनर में पानी है, ठीक है, उस पानी में आपको नमक को घोलना है, तो उस टाइम पे जो नमक होगा वो होगा सॉल्यूट, और जिस चीज में आप नमक को घोल रहे हो वो कहलाता है सॉल्वेंट। तो एक्वस सॉल्यूशन एक ऐसे टाइप का सॉल्यूशन होता है जिसमें वाटर यानी कि जो पानी है वो सॉल्वेंट हो। समझ आ गया होगा आपको, एक्वस सॉल्यूशन इज अ टाइप ऑफ सॉल्यूशन इन विच द सॉल्वेंट इज वाटर। तो जब भी हम एसिड को वाटर के सॉल्यूशन यानी कि वाटर जो एक्वस सॉल्यूशन है उस सॉल्यूशन में जब हम एसिड को ऐड करते हैं तो एक आयन रिलीज करता है जिसको हम कहते हैं एच प्लस आयंस यानी कि हाइड्रोजन आयन। तो बच्चों ये भी एक एसिड का ही प्रॉपर्टी है कि जब भी हम एसिड को किसी एक्वस सॉल्यूशन में मिक्स करेंगे तो जो आयन रिलीज होगी वो आयन कौन से होगी, एच प्लस आयंस। उसके बाद बच्चों ये दो चीजें लिखी हुई है स्ट्रॉन्ग एसिड्स एंड वीक एसिड्स। स्ट्रॉन्ग एसिड्स में हमारे पास कुछ एग्जांपल्स हैं HCl, H2SO4, HNO3। HCl का मतलब होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इसको फुल फॉर्म में कहते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड। H2SO4 होता है सल्फ्यूरिक एसिड, HNO3 होता है नाइट्रिक एसिड। वीक एसिड्स होते हैं CH3COOH, जिसका मतलब होता है एसिटिक एसिड। बच्चों याद रखना ये जो नाम मैं बोल रहा हूँ सबके नाम आप लिख लेना कॉपी में, CH3COOH है एसिटिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड लिखा हुआ और साथ में है लैक्टिक एसिड। इसका मतलब क्या होता है स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड्स, आपको ऐसा समझना है जो स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं उसमें एसिड की जो मात्रा होगी, एसिड की जो क्वांटिटी होगी वो मैक्सिमम होगी और जो वाटर की क्वांटिटी है वो कम होगी। लेकिन वीक एसिड में क्या होगा, उसमें वाटर की क्वांटिटी ज्यादा होती है लेकिन जो एसिड की क्वांटिटी है वो कम होती है, इसी वजह से वो स्ट्रॉन्ग और वीक होते हैं। तो ज्यादा आपको समझ आ गया होगा अच्छे से कि स्ट्रॉन्ग एसिड्स और वीक एसिड्स में बेसिक क्या डिफरेंस
होता है, इसको भी हम और डिस्कस करेंगे डिटेल में, लेकिन अभी के लिए आपको ये समझना है कि स्ट्रॉन्ग एसिड्स वो हो गए जिसमें एसिड की जो क्वांटिटी वो मैक्सिमम होगी, और वीक एसिड्स वो हो गए जिसमें एसिड की क्वांटिटी थोड़ी कम होगी। और वीक एसिड्स हम जनरली यूज करते हैं अपने खाने पीने की चीजों में भी हमें मिलता है ये, और जो स्ट्रॉन्ग एसिड्स है ये जनरली हम खा पी नहीं सकते क्योंकि ये हार्मफुल होते हैं, ये हमारे बॉडी ऑर्गन्स के लिए काफी ज्यादा हार्मफुल होते हैं। लेकिन हालांकि जो HCl है ये हमारे स्टमक में प्रेजेंट होता है, आपने पढ़ा होगा स्टमक में एक एसिड होता है जो HCl होता है जो खाने को डाइजेस्ट करने का काम करता है। बच्चों उसके बाद है हमारे पास दो और टॉपिक, कंसंट्रेटेड एसिड एंड देन है डाइल्यूट एसिड। इन दोनों का मतलब क्या होता है, कंसंट्रेटेड एसिड हम किसे कहते हैं और डाइल्यूट एसिड हम किसे कहते हैं। कंसंट्रेटेड एसिड आपको ऐसे समझना है कि आपने मान लो एसिड में पानी मिक्स कर दिया, ठीक है, या पानी में एसिड मिक्स कर दिया। तो एसिड में जब पानी मिक्स करते हैं तो कई बार क्या होता है कि अगर पानी में एसिड की मात्रा कम है, ठीक है, या फिर पानी में एसिड की मात्रा ज्यादा है, यही दो कंडीशन हो सकते हैं, पानी में एसिड की मात्रा या तो ज्यादा हो सकती है या फिर कम हो सकती है। तो इसलिए आपको एक चीज का ध्यान रखना है, कंसंट्रेटेड एसिड हम उसे कहते हैं व्हेन मोर अमाउंट ऑफ एसिड प्लस लेस अमाउंट ऑफ वाटर। तो बच्चों ये होता है कंसंट्रेटेड एसिड, मोर अमाउंट ऑफ एसिड प्रेजेंट हो अगर उस सॉल्यूशन में और लेस अमाउंट ऑफ वाटर, मतलब कि आपने कोई कंटेनर लिया उसमें एसिड की क्वांटिटी काफी ज्यादा है और पानी की क्वांटिटी उसमें कम है या फिर ना के बराबर है, तो वो एसिड कहलाएगा कंसंट्रेटेड एसिड। और डाइल्यूट एसिड क्या होता है, डाइल्यूट एसिड होता है इसका अपोजिट, इसमें क्या होगा मोर अमाउंट ऑफ वाटर प्लस लेस अमाउंट ऑफ एसिड। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा कंसंट्रेटेड एसिड एंड डाइल्यूट एसिड में बेसिक डिफरेंस क्या होता है। कंसंट्रेटेड एसिड में मोर अमाउंट ऑफ एसिड प्लस लेस अमाउंट ऑफ वाटर, यानी कि इसमें एसिड की जो मात्रा है वो ज्यादा होती है और पानी की मात्रा कम होती है, लेकिन डाइल्यूट एसिड में पानी की मात्रा ज्यादा होती है और एसिड की मात्रा कम होती है। तो ऑफकोर्स ही बात है जो इसमें स्ट्रॉन्ग एसिड होगा वो कौन सा होगा, कंसंट्रेटेड एसिड होगा, क्यों, क्योंकि इट हैव मोर अमाउंट ऑफ एसिड, लेकिन जो डाइल्यूट एसिड होगा ये वीक एसिड कहलाएगा। चलिए देखते हैं अपना अगला टॉपिक, प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस। एसिड्स के बारे में आपने डिस्कशन समझ लिया होगा अच्छे से, टॉपिक जो है एसिड वाला वो आपको समझ आ गया होगा कि हमने एसिड में क्या क्या डिस्कस किया, एसिड की क्या क्या प्रॉपर्टीज थी, कंसंट्रेटेड एसिड किसे कहते हैं, उसके अलावा डाइल्यूट एसिड किसे कहते हैं, ये सभी आपने समझ लिया होगा। उसके बाद है नेक्स्ट टॉपिक प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस। बेस बच्चों बिटर इन टेस्ट एंड सोपी इन टच। जो बेस होता है इसका टेस्ट जनरली होता है बिटर, यानी कि कड़वा स्वाद होता है इसका, और इसको जब हम छूते हैं टच करते हैं तो जनरली ये कैसा होता है, सोपी, साबुन जैसा फिसलन इसमें होती है। सेकंड है दे टर्न रेड लिटमस टू ब्लू। लिटमस वाला कंसेप्ट आपको समझा दिया था मैंने अभी कि जब कोई रेड लिटमस है हमारे पास, रेड लिटमस पे अगर हम कोई ऐसा सब्सटेंस डालें और उसका कलर ब्लू हो जाए तो इट मींस कि वो सब्सटेंस जो वो कैसा होगा, बेसिक होगा। रेड लिटमस को ब्लू में चेंज कर दिया तो वो सब्सटेंस क्या होगा, बेसिक होगा। अगर ब्लू लिटमस को रेड में चेंज कर दिया तो सब्सटेंस क्या होगा, एसिडिक होगा। दे गिव OH- आयंस इन एक्वस सॉल्यूशन। अगेन एक्वस सॉल्यूशन आपको समझ आ गया होगा, ऐसा सॉल्यूशन जिसमें वाटर एक सॉल्वेंट होता है। OH- आयंस कहते हैं हम हाइड्रोक्साइड आयंस को, ठीक है बच्चों, जो हाइड्रोक्साइड आयंस होते हैं, यानी कि जब बेस को वाटर में डिजोल्व किया जाता है तो डिजोल्व होने के बाद जो आयंस रिलीज होते हैं उनको हम कहते हैं हाइड्रोक्साइड आयंस। अब इसमें भी दो टाइप के बेसिस है, एक है स्ट्रॉन्ग बेस, दूसरा है वीक बेस। स्ट्रॉन्ग बेस है हमारे पास NaOH यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड, KOH यानी कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एंड CaOH होल ट्वाइस, इसको हम कहते हैं स्लेक्ड लाइम। आपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा होगा कि जब कैल्शियम ऑक्साइड को यानी कि CaO को उसमें कुछ रिएक्शंस करवाते हैं तो जब वो चेंज हो जाता है, यानी कि जब हम उसमें वाटर को मिक्स करते हैं, ये वाली रिएक्शन आपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा है CaO प्लस H2O, तो जो रिएक्शन होती है उसके बाद मिलता है हमें ये CaOH होल ट्वाइस। तो बच्चों ये एक बेस होता है, आपको ध्यान में रखना है ये CaOH होल ट्वाइस, इसको हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी कहते हैं और दूसरा नाम है इसका स्लेक्ड लाइम। उसके बाद है वीक बेस। वीक बेस में एक एग्जांपल है हमारे पास NH4OH, इसका मतलब होता है अमोनियम हाइड्रोक्साइड, समझ आ गया होगा आपको। एल्कलीज क्या होते हैं, अगर आप यहां तक समझ चुके हो तो उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है एल्कलीज। एल्कली किसे कहते हैं बच्चों, देखो बेसिस जनरली पानी में डिजोल्व नहीं होते, अभी मैंने आपको ऊपर बताया था कि डिसॉल्व होते हैं तो कौन से आयन रिलीज होते हैं, OH माइनस आयंस, लेकिन सभी बेसेस वाटर में डिसॉल्व नहीं होते, वाटर में सॉल्युबल नहीं होते, लेकिन कुछ ऐसे बेस होते हैं जो वाटर में सॉल्युबल होते हैं, यानी कि पानी में हम उसको डिसॉल्व कर सकते हैं। तो ऐसे बेस यानी ऐसे बेसिक सब्सटेंस जो वाटर में डिसॉल्व हो सके उन बेसिस को हम कहते हैं एल्कलीज। यहां लिखा हुआ है दीज आर बेसिस विच आर सॉल्युबल इन वाटर, यानी कि ऐसे टाइप के बेसिस जो वाटर में डिसॉल्व हो सकते हैं।
एक ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ऑल एल्कलीज आर बेस बट ऑल बेसिस आर नॉट एल्कलीज। बच्चों देखो, जो एल्कलीज है वो क्या है, वो है तो बेस ही, लेकिन वो क्या होते हैं, वाटर में डिजोल्व हो सकते हैं, लेकिन उसके अलावा कुछ और भी चीजें हैं जो बेसिक है लेकिन वो वाटर में डिजोल्व नहीं हो सकते। तो ऐसे बेस जो वाटर में डिजोल्व हो सके उनको कहते हैं हम एल्कलीज। तो इससे प्रूफ हो गया कि जितने एल्कलीज होंगे वो क्या होंगे, बेस होंगे, लेकिन सभी बेस एल्कलीज नहीं होंगे। लाइन आपको ध्यान में रखना है कि जो जितने सारे बेसेस है सारे बेस एल्कली नहीं होंगे, कुछ ही बेस एल्कलीज होंगे, लेकिन जितने एल्कलीज होंगे वो सारे ऑटोमेटिकली बेस ही होंगे। इसके एग्जाम्पल से ये सारे एल्कलीज हैं, NaOH जो आपने ऊपर देखा था अभी, सोडियम हाइड्रोक्साइड, KOH यानी कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, और CaOH होल ट्वाइस यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसको हम कहते हैं स्लेट लाइन। ये तीनों एग्जाम्पल है एल्कलीज के, तीनों क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस है, ठीक है। तो जनरली जितने स्ट्रॉन्ग बेसेस होते हैं मैक्सिमम वो सारे के सारे एल्कलीज होते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स एंड प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस के बाद नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास इंडिकेटर्स का। इंडिकेटर्स क्या होते हैं बच्चों, इंडिकेटर्स वो सब्सटेंस होते हैं, अगर हमें पता करना हो कि भाई ये चीज एसिड है या फिर नहीं है, या फिर बेस है या फिर नहीं है, अगर हमें पता लगाना हो कि एसिड है या फिर बेस है, तो उनको चेक करने के लिए जिन चीजों का यूज किया जाता है उसको हम कहते हैं इंडिकेटर। इंडिकेटर वर्ड का मतलब ही होता है इंडिकेट करना, यानी कि बताना कि वो एसिड है या फिर बेस है। जो ऐसे सब्सटेंस होते हैं या तो वो अपने स्मेल को चेंज करते हैं या अपने कलर को चेंज करते हैं, ऐसी चीजें जो भी अपने स्मेल या कलर को चेंज करके बताए कि ये एसिड है या फिर बेस है, तो उन सब्सटेंस को हम कहते हैं इंडिकेटर्स। इसकी डेफिनेशन लिखी हुई, सब्सटेंस विच चेंज देयर कलर और स्मेल इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ सब्सटेंसेस लाइक एसिड्स एंड बेसिस आर कॉल्ड इंडिकेटर्स। तो बच्चों इंडिकेटर्स वो होते हैं ऐसे सब्सटेंस जो अपने कलर या फिर स्मेल को चेंज करते हैं जब उनको एसिड में या फिर बेस में मिलाया जाता है या फिर उसमें रखा जाता है। इंडिकेटर्स भी तीन टाइप्स के होते हैं हमारे पास। सबसे पहला है नेचुरल इंडिकेटर्स। नेचुरल मीन्स जो ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो नेचर में पाए जाते हैं, फाउंड इन नेचर इन प्लांट, जो हमें प्लांट से मिलते हैं या फिर नेचुरल पहले से ही हमारे धरती पे मौजूद होते हैं, उनको हम कहते हैं नेचुरल इंडिकेटर्स। इसके तीन एग्जांपल्स हैं, सबसे पहला लिटमस, दूसरा रेड कैबेज और तीसरा है टर्मरिक। लिटमस के बारे में अभी आपने समझ लिया था लिटमस कैसे चेंज करता है कलर को। उसके बाद है सिंथेटिक इंडिकेटर्स। सिंथेटिक इंडिकेटर्स होते हैं, दीज आर केमिकल सब्सटेंसेस, ऐसे इंडिकेटर्स जो लैब में जनरली तैयार किए जाते हैं, उसको मैन मेड इंडिकेटर्स भी कह सकते हैं। इसके दो एग्जांपल है, पहला मिथाइल ऑरेंज और दूसरा है फिनोल फैथिलीन। थर्ड है बच्चों ऑल्फैक्ट्री। ऑल्फैक्ट्री का मतलब ही होता है जो अपने ऑर्डर को चेंज करे, यानी कि अपने स्मेल को बदले। तो ऑल्फैक्ट्री मींस दीज सब्सटेंसेस हैव डिफरेंट ऑर्डर इन एसिड्स एंड बेस, ऐसे सब्सटेंस जो अपने ऑर्डर को चेंज करते हो जब उनको एसिड के साथ रखा जाए या फिर बेस के साथ रखा जाए, तो ऐसे सब्सटेंस को हम कहते हैं ऑल्फैक्ट्री इंडिकेटर्स। इसके भी एग्जांपल्स दिए हुए हैं, अनियन, क्लोव ऑयल एंड वेनिला एसेंस। ये तीनों चीजें अपने अपने स्मेल को चेंज करती है जब इनको एसिड या फिर बेस के साथ मिलाया जाता है। बच्चों इन सभी चीजों की जो इमेजेस है, चाहे वो लिटमस हो, रेड कैबेज, टर्मरिक, मिथाइल ऑरेंज, फिनोल फैथिलीन, क्लोव ऑयल एंड उसके अलावा अनियन, वेनिला एसेंस, इन सभी की इमेजेस मैं अभी आपको वीडियो में ऐड कर दूंगा, आप इन सबकी इमेज एक बार देख लेना, आपको अच्छे से आइडिया लग जाएगा कि ये चीजें कैसे दिखती है और कैसे काम करती है। बच्चों अगला जो टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, रिएक्शंस पढ़ने वाले हैं अब हम। हमने एसिड की प्रॉपर्टीज तो डिस्कस कर ली, उसके अलावा हमने बेस भी जान लिया, इंडिकेटर्स भी समझ लिया है, रिएक्शंस पढ़ेंगे हम। जब एसिड का रिएक्शन मेटल के साथ कराया जाता है या फिर बेस के साथ जब रिएक्शन होता है तो क्या बनता है प्रोडक्ट, उसके अलावा मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट या फिर मेटल कार्बन, सारी चीजें डिस्कस करेंगे एक एक करके। यहाँ पर रिएक्शन देखते हैं हम। सबसे पहली रिएक्शन है जब एसिड को मेटल के साथ मिलाया जाए, ठीक है। जब एसिड को मेटल के साथ रिएक्ट कराते हैं तो प्रोडक्ट में मिलता है हमें सॉल्ट प्लस H2। ये सॉल्ट किसका होगा, ये सॉल्ट इसी मेटल का होगा, ठीक है। बच्चों ध्यान में रखना इस चीज को कि ये जो सॉल्ट होगा ये इस मेटल का ही सॉल्ट होगा और साथ में हाइड्रोजन गैस भी रिलीज होगी यानी H2। इसका एक एग्जांपल देखते हैं, एसिड के तौर पे हमने लिया यहाँ पे HCl और साथ में मेटल है Zn यानी कि जिंक। HCl के साथ जब जिंक रिएक्ट कर रहा है तो प्रोडक्ट में क्या मिल रहा है, ZnCl2, यानी कि जो ये जिंक क्लोराइड है क्या है, एक सॉल्ट है। जिंक क्लोराइड किसका सॉल्ट है, इसी जिंक का, इस मेटल का एक सॉल्ट है जिंक क्लोराइड और साथ में H2 गैस भी रिलीज हो रही है। उसके बाद है सेकंड रिएक्शन, एसिड को जब हम बेस के साथ रिएक्ट कराते हैं यानी कि एसिड प्लस बेस। एसिड का जब बेस के साथ रिएक्शन होता है तो उसको हम एक और चीज कहते हैं, उसको हम कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। इसमें क्या होता है, चीजें न्यूट्रल हो जाती है, यानी कि आपके पास एक एसिड आ गया, एक तरफ बेस आ गया, जब आप दोनों को मिला दोगे तो ना तो वो एसिडिक रहेगा और ना ही वो बेसिक रहेगा, तो वो हो जाता है न्यूट्रल, और उस रिएक्शन को हम कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो ये वही रिएक्शन है बच्चों, एसिड प्लस बेस जब रिएक्ट करते हैं तो प्रोडक्ट में मिलता है हमें सॉल्ट प्लस H2O। यहां भी सॉल्ट मिलेगा और साथ में क्या होगा, वाटर भी होगा यानी कि H2O।
एसिड की जगह पे हमने लिया HCl, बेस है हमारे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड। जब इन दोनों को आपस में रिएक्ट कराते हैं तो सॉल्ट क्या बनता है? NaCl। NaCl को बच्चों हम कॉमन सॉल्ट कहते हैं, पता ही होगा आपको। NaCl हम जनरली घर में यूज करते हैं, कॉमन सॉल्ट जो नमक तुम खाते हो वो NaCl ही होता है। HCl के साथ जब हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड को रिएक्ट कराया तो क्या मिला? NaCl यानी कि सोडियम क्लोराइड और साथ में वाटर। थर्ड रिएक्शन है एसिड का, जब रिएक्ट कराते हैं हम मेटल कार्बोनेट के साथ। बच्चों कार्बोनेट आपने पढ़ा होगा 9th क्लास में, CO3 जब लिखते हैं उसी को हम कार्बोनेट कहते हैं। तो जब मेटल के साथ CO3 मिक्स कर दिया जाता है तो मेटल कार्बोनेट बन जाता है। तो एसिड की रिएक्शन जब मेटल कार्बोनेट के साथ होगी तो प्रोडक्ट में मिलेगा हमें सॉल्ट प्लस CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस और साथ में वाटर। तो ये इसके रिएक्शन का एक एग्जांपल है। एसिड में हमने HCl लिया है फिर से, और मेटल कार्बोनेट यानी कि Na2CO3। Na यानी कि सोडियम क्या होता है? सोडियम एक मेटल है। तो मेटल कार्बोनेट में हमने लिया है सोडियम कार्बोनेट को, और जब रिएक्शन के बाद हमारे पास प्रोडक्ट में क्या है? NaCl, अगेन कॉमन सॉल्ट, साथ में CO2, कार्बन डाइऑक्साइड और साथ में वाटर। फोर्थ है एसिड के साथ नेक्स्ट रिएक्शन है मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। अब इसमें क्या होगा? मेटल तो रहेगा ही, कार्बोनेट मैंने बताया था CO3 भी होगा और हाइड्रोजन एक्स्ट्रा इसमें जुड़ जाएगा, यानी कि मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। जब एसिड की रिएक्शन मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ कराएंगे तो प्रोडक्ट मिलता है हमें सॉल्ट प्लस CO2 प्लस वाटर। तो एसिड की जगह पे हमने लिया HCl और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट की जगह पे मेटल हो गया Na, हाइड्रोजन की जगह पे H और कार्बोनेट को हम लिखते हैं CO3। तो मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट NaHCO3, ये जब रिएक्ट करेगा HCl के साथ तो प्रोडक्ट में क्या मिलेगा हमें? NaCl यानी कि कॉमन सॉल्ट और साथ में CO2, कार्बन डाइऑक्साइड और फिर वाटर। फिफ्थ और आखिरी रिएक्शन है मेटल एसिड का रिएक्शन है मेटेलिक ऑक्साइड के साथ। ये पांचवी रिएक्शन है बच्चों। एसिड को जब हम मेटेलिक ऑक्साइड के साथ रिएक्ट कराते हैं तो प्रोडक्ट मिलता है सॉल्ट प्लस H2। अगेन ये सॉल्ट किसका होगा? इसी मेटल का होगा। तो एसिड क्या है हमारे पास? HCl। मेटेलिक ऑक्साइड क्या है? Ca+O। मेटल तो हमारे पास ये Ca है, ठीक है, जिसको हम कैल्शियम कहते हैं, और O क्या है? ऑक्साइड। मैंने आपको बताया था जिस भी एलिमेंट के साथ आप ऑक्सीजन को मिला देते हो तो उसका ऑक्साइड बना लेता है। तो जब हम मेटल के साथ ऑक्सीजन को मिलाते हैं तो उसको हम कहते हैं मेटेलिक ऑक्साइड। तो मेटल हमारे पास Ca, कैल्शियम और ऑक्साइड मिला दिया तो ये बन गया कैल्शियम ऑक्साइड। जब HCl के साथ हम कैल्शियम ऑक्साइड को मिलाते हैं तो जो हमें प्रोडक्ट मिलता है वो होता है CaCl2, यानी कि ये क्या हो गया? कैल्शियम क्लोराइड। ये भी क्या है? एक सॉल्ट है, और साथ में क्या रिलीज होगी? वाटर। बच्चों उसके बाद एक चीज का आपको और ध्यान रखना है कि जो मेटेलिक ऑक्साइड होते हैं यानी कि ये जो CaO है, आप मेटल के साथ जब भी ऑक्सीजन को मिक्स करोगे तो उसका नेचर हमेशा बेसिक होगा, ठीक है। मेटेलिक ऑक्साइड कैसा होता है? बेसिक इन नेचर। तो बच्चों आई होप आपको ये एसिड की रिएक्शन जितनी भी है, चाहे वो मेटल के साथ हो, बेस के साथ, मेटल कार्बोनेट, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट और फिर मेटेलिक ऑक्साइड, इन सभी के प्रोडक्ट्स अच्छे से समझ आ गए होंगे कि जब रिएक्शन होती है तो क्या क्या प्रोडक्ट्स हमें मिलते हैं। आप इसको जल्दी से कॉपी पे नोट कर ले। बच्चों एसिड्स के रिएक्शन के बाद हम पढ़ने वाले हैं बेस के रिएक्शंस। सेम ऐसे ही, जैसे अभी हमने एसिड के रिएक्शंस कराई थी मेटल के साथ, उसके बाद फिर बेस के साथ, मेटल कार्बोनेट, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट और मेटल ऑक्साइड्स के साथ, तो सेम वैसे रिएक्शन हम करेंगे बेस के साथ। पहली रिएक्शन है बेस के साथ अगर मेटल का रिएक्शन कराया जाए तो क्या बनेगा प्रोडक्ट? प्रोडक्ट मिलेगा हमें सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। अगेन जैसे हमने एसिड में किया था, एसिड को जब हम मेटल से रिएक्ट कराते थे तो उसमें भी हमें सॉल्ट और साथ में H2 गैस रिलीज होती हुई दिखी थी। तो यहाँ पे भी देखते हैं, बेस में हमने लिया NaOH यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड, मेटल हमारे पास Zn है, और जब इन दोनों की रिएक्शन हो रही है तो फिर जो प्रोडक्ट मिल रहा है हमें Na2ZnO2 प्लस H2। ये हो गया पहला रिएक्शन। दूसरा रिएक्शन है बेस प्लस एसिड। जब हम बेस को एसिड के साथ मिलाते तो अगेन ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। अपने एसिड वाले रिएक्शन में भी पढ़ा था, अभी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बताया था मैंने कि जब एसिड को हम बेस के साथ रिएक्ट कराते हैं तो वो न्यूट्रल हो जाता है। अगर हम एक एसिड ले एक बेस ले, दोनों को अगर मिला दे तो वो जो सब्सटेंस बनेगा फिर ना तो वो एसिडिक होगा मीडियम में, ना ही वो बेसिक होगा, वो क्या होगा? वो होगा न्यूट्रल। तो इस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं? न्यूट्रल रिएक्शन, यानी कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। जब बेस के साथ एसिड को रिएक्ट कराते तो क्या बनता है? सॉल्ट प्लस H2O। ये इसका एग्जांपल है, जो हमने पिछले एसिड वाले में भी यही एग्जांपल लिया था। थर्ड है बच्चों बेस प्लस मेटल कार्बोनेट। जब बेस को रिएक्ट कराया था मेटल कार्बोनेट के साथ तो कोई भी रिएक्शन नहीं होती है, इसलिए यहाँ पे नो रिएक्शन लिखा है। उसके बाद बेस के साथ जब मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्ट कराते हैं बेस को तो भी कोई रिएक्शन नहीं होती है, इसी वजह से हमने अगले रिएक्शन में मेटल ऑक्साइड नहीं लिया है, हमने लिया है नॉन मेटेलिक ऑक्साइड, ठीक है, क्योंकि मेटल ऑक्साइड के साथ भी जब रिएक्ट कराएंगे तो वो भी रिएक्शन नहीं होगी। तो हमने फिफ्थ रिएक्शन लिया है बेस प्लस नॉन मेटेलिक ऑक्साइड। हमने एसिडिक रिएक्शन में लिया था मेटेलिक ऑक्साइड और बेसिक रिएक्शन में ले रहे हैं हम नॉन मेटेलिक ऑक्साइड। क्यों ले रहे हैं? क्योंकि एसिडिक रिएक्शन में मेटेलिक ऑक्साइड के साथ तो रिएक्ट हो रहा था, लेकिन बेस जो है वो मेटेलिक ऑक्साइड के साथ रिएक्ट नहीं होगा, और यही सेम चीज लिखी होगी नो रिएक्शन, इस वजह से हम ले रहे हैं बेस के साथ नॉन मेटेलिक ऑक्साइड। तो जब बेस के साथ नॉन मेटेलिक ऑक्साइड लेते हैं तो फिर प्रोडक्ट मिलता है हमें सॉल्ट साथ में वाटर।
बेस हो गया ये सी ए ओ एच होल ट्वाइस अगेन, इसको हम स्लेक्ट लाइन कहते हैं, आपने कई बार देख लिया होगा ये। साथ में हम लेंगे नॉन मेटेलिक ऑक्साइड यानी कि सीओ टू, सी यानी कार्बन और ओ टू आपको पता है ऑक्सीजन, कार्बन नॉन मेटल होता है और ऑक्सीजन यहाँ पे आपको पता है जब किसी भी मेटल या नॉन मेटल के साथ किसी भी ऑक्सीजन के लेयर को हम ऐड कर देते हैं, ऑक्सीजन को ऐड करते हैं तो वो क्या उसका ऑक्साइड बन जाता है। तो ये हो गया नॉन मेटेलिक ऑक्साइड, जब ये रिएक्शन होती है तो बनता है कैल्शियम कार्बोनेट और साथ में H2O। और एक चीज का आपको ध्यान रखना है कि जो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड यानी कि ये जो CO2 होगा वो कैसा होगा, एसिडिक इन नेचर। जैसे कि जब आपने एसिडिक वाला रिएक्शन किया था एसिड वाला, तो उसमें हमने पढ़ा था कि जो मेटेलिक ऑक्साइड होते हैं वो बेसिक इन नेचर होते हैं और नॉन मेटेलिक ऑक्साइड जो होंगे वो होंगे एसिडिक इन नेचर। तो बच्चों आई होप आपको ये वीडियो अच्छे से आपने वीडियो देख ली होगी और आपको ये चैप्टर यहां तक समझ आ गया होगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, ये वीडियो का पार्ट वन था जिसमें हमने आधा चैप्टर लगभग कंप्लीट कर लिया है। अगले चैप्टर में हम और भी जो रिमेनिंग टॉपिक्स हैं हमारे लाइक सॉल्ट्स, डिफरेंट टाइप ऑफ सॉल्ट्स, वो सब डिस्कस करने वाले हैं। तो बच्चों तब तक ये पढ़ते रहिए और अपनी अच्छे से तैयारी कीजिए। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, जिस वीडियो में हम बाकी के जो टॉपिक्स रह गए इस चैप्टर के वो डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, थैंक यू।